सामने के कांगला नगर के गौर गरीबा बस्ती के दर्जनों बस्ती वासियों ने बस्ती में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए हंगामा प्रदर्शन करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार से पत्र भेजकर पानी की निकासी की मांग की। बस्ती में जलभराव को देखते हुए बस्ती के दर्जनों महिला और पुरुषों को बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि जनपद सामने के कांगला नगर के गौर गरीबा बस्ती में काफ़ी दिनों से पानी का जलभराव है। पानी के जलभराव को लेकर बस्ती वासी काफ़ी परेशान हैं, जिनको रास्ते में आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती वासियों ने कई बार केंद्र प्रदेश सरकार से लेकर जिले के सभी आला अधिकारियों से पानी की निकासी से निजात पाने के लिए मांग कर चुके, मगर कोई भी अधिकारी बस्ती वासियों की सुनने वाला नहीं। बस्ती वासियों ने मीडिया के सामने आपबीती बताते हुए बताया कि जलभराव की समस्या को देखते हुए बस्ती में दर्जनों महिला पुरुषों को गंभीर बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसको लेकर बस्ती में भय बना हुआ है और बस्ती के दर्जनों पुरुषों ने बस्ती में हंगामा प्रदर्शन करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर बस्ती के पानी की निकासी कराने की मांग की। पत्र में बस्ती वासियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को पत्र के द्वारा अवगत कराया कि आने वाली बरसात में अगर पानी की निकासी नहीं हुई तो बस्ती समंदर में तब्दील हो जाएगी और आने वाली बरसात में बस्ती के तबाह होने में कोई नहीं रोक सकता। बस्ती वासियों ने आरोप लगाया कि वह दर्जनों बार जिले में केंद्र और प्रदेश के सभी अधिकारियों से भी पानी की निकासी की मांग कर चुके हैं, मगर कोई सरकार का कोई आला अधिकारी उनकी सुनने वाला नहीं है। अरे उससे बाद में कोई आने झाड़ते हैं तो देख लो, अगर कोई मर रहा है जिना से काम कर देंगे किसके पास जगह कोई एक आदमी तो बताने के लिए उसको सुरक्षित।